जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है उसी के बारे में कि आखिरकार उस मैच से रिलेटेड क्या आप सभी को टीम दिखाई देने वाली है और पूरी डिटेल जानकारी मैच से जुड़ी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, सिराज की बाउंसर से चोटिल हुए मयंक अग्रवाल, बीच मैदान पर हुआ कुछ ऐसा बवाल कि देखने के बाद आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों आप सभी को मयंक अग्रवाल की जो चोट लगी है और कैसे सिराज ने उनके गेंद मारी उसका वीडियो भी दिखाएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि पैड पहनकर बॉलिंग करने उतरे जसप्रीत बुमराह तो देखकर हंसने लगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, कहा कुछ ऐसा कि देखने के बाद आपको भी आ जाएगी हंसी। तो दोस्तों ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने से अब मात्र चंद ही घंटे दूर है। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी जहां पर भारतीय टीम इस टेस्ट सीरीज को जीतने के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में अपना स्थान टॉप के नंबर पर लेकर आना चाहेगी। हालांकि दोस्तों इस बार भारतीय टीम के लिए चुनौती आसान नहीं रहने वाली है। दरअसल दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपनी जबरदस्त टीम चुनी है जिसके चलते भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि वो इंग्लैंड की पिच पर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना डटकर कर पाए और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को चुनौती दे सके। हालांकि दोस्तों भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या अब ये भी सामने निकल कर आ रही है कि पहले टेस्ट मुकाबले से पहले भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी क्रम है वो काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों कमजोर इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही मोहम्मद सिराज ने मयंक अग्रवाल के सर में गेंद मार दी जिसके चलते उनका बाहर होना टीम में से भारतीय टीम के लिए काफी बड़ा झटका है। और ऐसे में इसी घटना के बाद भारतीय बल्लेबाजी क्रम पूरा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय टीम के पास और भी विकल्प है जहां पर टीम इंडिया की बल्लेबाजी इस समय भले ही कमजोर है और ऐसे में KL राहुल को अब इस टेस्ट सीरीज में खेलने का मौका कप्तान विराट कोहली देते हुए नजर आ सकते हैं। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें भारत की प्लेइंग 11 टीम के बारे में तो भारत की प्लेइंग 11 टीम में इस बार आप सभी को काफी बड़े बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देंगे जहां पर इस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले में जो आपको गेंदबाज खेलते हुए दिखाई देने वाले उनमें नाम रखा गया है रविचंद्रन, अश्विक्षर पटेल, मोहम्मद शमी और उमेश यादव को इस बार भारतीय टीम में शामिल किया जाएगा बतौर गेंदबाज। तो वहीं दोस्तों बात करें मध्यम क्रम की तो मध्यम क्रम में जो आप सभी को खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे तीसरे नंबर पर अजिंक्य रहाणे, चौथे नंबर पर विराट कोहली, पांचवें नंबर पर ऋषभ पंत और छठे नंबर पर रविंद्र जडेजा को मौका दिया जाएगा। तो वहीं बात करें टॉप ऑर्डर की तो टॉप ऑर्डर आप सभी को संभालते हुए भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा और KL राहुल नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये तो होगी भारत की प्लेइंग 11 टीम। बाकी अगर हम बात करें इस सीरीज की तो इस सीरीज का पहला मुकाबला 4 अगस्त को खेला जाएगा जो कि आप सभी को लाइव दोपहर में देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी दोस्तों अब आपकी क्या राय है भारत और इंग्लैंड के बीच में होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है पैड पहनकर बॉलिंग करने उतरे जसप्रीत बुमराह, देखकर आपको भी आ जाएगी हंसी। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 4 अगस्त से शुरू हो रही है जहां पर पहला मैच शुरू होने से सिर्फ 2 दिन ही बाकी और ऐसे में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ट्रेनिंग सेशन में जमकर पसीना बहा रहे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। जहां पर नेट्स में बल्लेबाजी करते समय पैड पहनना सामान्य बात है लेकिन गेंदबाजों को दौड़ते और गेंदबाजी करते समय पैड में देखना एक असामान्य दृश्य है। जहां पर जसप्रीत बुमराह को नेट्स में बल्लेबाजी पैड पहनकर गेंदबाजी करते हुए देखा गया और वह ऐसा करने में सहज भी नजर आ रहे थे। हालांकि दोस्तों दाएं हाथ के तेज गेंदबाज को इस अनोखे अंदाज में देखकर फैंस जमकर कमेंट भी कर रहे थे। हालांकि दोस्तों एक यूजर ने यह तक लिख डाला कि मुझे भी ऐसा सस्ता नशा चाहिए, एक दूसरे यूजर ने लिखा बस यही रह गया था देखने को। और बाकी आप सभी इनके मजेदार ट्वीट भी देख सकते हो। बाकी आपकी क्या राय है जसप्रीत बुमराह के ऐसा करने पर, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब नजदीक आ चुकी है जहां पर इस टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 4 अगस्त से खेला जाने वाला है। तो वहीं दोस्तों इंग्लैंड की टीम जहां एक तरफ
इंग्लैंड के क्रिकेट मैदानों पर जमकर अभ्यास सत्र में भाग ले रही है और भारतीय टीम के पसीने छुटाने के लिए पूरी पूरी तैयारियां कर रही है। तो वही दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी इस बार आप सभी को एक अलग ही लय में नजर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर रोहित शर्मा, कप्तान विराट कोहली, ऋषभ पंत जैसे खतरनाक खिलाड़ी इंग्लैंड को रौंदने के लिए पूरी तरीके से तैयारी करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा अपने डिफेंस के साथ साथ अपने बड़े बड़े शॉटों पर भी ध्यान देते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रोहित शर्मा ने आज कमाल की बल्लेबाजी की, जहाँ वो ताबड़तोड़ रन बरसाते चले जा रहे थे। तो वहीं दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा ऋषभ पंत ने भी सभी का दिल जीता, क्योंकि ऋषभ पंत ने भी आज के इस मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेली। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार आज किस खिलाड़ी ने कितने कितने रन बनाए। दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने आज लगभग 1.5 घंटे अभ्यास सत्र में भाग लिया और 1.5 घंटे के मैच में रोहित शर्मा ने 113 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 5 चौके लगाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रोहित शर्मा ने 113 रन भी, दोस्तों आपको यकीन होगा उन्होंने मात्र 74 रन बनाने के लिए 32 गेंदों का सामना किया और अपनी 74 रन की पारी के दौरान ऋषभ पंत ने 4 छक्के और 5 चौके जड़े। तो ऐसे में दोस्तों यही थी पूरी पारी आज के इस मुकाबले की। ऐसे में दोस्तों आज का यही था अभ्यास, इस बार इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत पाएगी या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली खबर निकल कर आ रही है वो ये है, मुझे माफ कर दो, मुझे बैन मत करो, करियर बचाने के लिए रेफरी के सामने गिड़गिड़ाए थे कोहली। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली करियर की शुरुआत में टेस्ट मैचों में अपने फॉर्म को लेकर जूझ रहे थे। तब विराट कोहली के कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी ने विराट को दिग्गजों से आलोचना झेलने के बाद भी टीम में लगातार मौके दिए। जी हां दोस्तों, साल 2012 में विराट भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी, तब ऐसा लग रहा था कि सिडनी में दूसरे टेस्ट के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ऐसा हुआ नहीं था, उन्हें टीम में शामिल किया गया और यहाँ पर आप पूरा वीडियो भी देख सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है विराट कोहली के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये, भारतीय क्रिकेट दर्शक ये चाहेंगे इस टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम अपने नाम करे, तो वहीं इंग्लैंड के दर्शक चाहेंगे कि इंग्लैंड में आकर भारतीय टीम को वो बुरी तरीके से रौंदे और 5-0 से इस सीरीज को अपने नाम करे। हालांकि दोस्तों ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार होने क्या वाला है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों ये खबर भारत की प्लेइंग 11 टीम को लेकर निकल कर आ रही है। दरअसल अब भारत की प्लेइंग 11 टीम आप सभी को पहले टेस्ट मुकाबले में पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई देने वाली है, जहां पर आप सभी को भारतीय क्रिकेट टीम में काफी नए नए नाम जुड़ते हुए दिखाई देंगे और कुछ जो अनुभवी खिलाड़ी हैं वो आप सभी को भारतीय टीम में शामिल होते हुए दिखाई नहीं देने वाले। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।